Hey, hello, welcome back everyone. So good morning to all of you guys. और कैसे हो आप लोग दोस्तों? यार देखो, आज का जो दिन है ये बहुत औसम है, आपके वहाँ भी और मेरे यहाँ भी। और दिन ना मतलब इंजॉय करना चाहिए हमें, ठीक है? जैसे हम अपनी पढ़ाई को आजकल इंजॉय कर रहे हैं ना, मतलब जब आप किसी चीज़ को इंजॉय करके मतलब पढ़ते हो, काम करते हो, तो ऑब्वियसली आपका मन भी आपका साथ देता है। जो मना कर देता है ना, छोड़ यार आज रहने देते हैं, ठीक है कल कर लेंगे, वो भी आपका साथ देगा जब आपके अंदर एंथुसियाज्म नाम की वो जो चीज़ होती है वो बाहर निकल के आएगी। सो व्हाट्स अप गाइस, और आज की एक कहानी स्टार्ट करते हैं मेरी जुबानी, क्योंकि दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ कूलम्ब्स फोर्स, है ना। कूलम्ब्स फोर्स का जो बेसिक कंसेप्ट था वो ऑलरेडी हमने देख लिया, उसके न्यूमेरिकल भी देख लिए हैं। कूलम्ब्स का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कैसे करते हैं टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो मैंने आपको सिखा दिया है। और इस लेक्चर में लिटिल बिट कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ टेक्निक्स आपके साथ यू नो डिस्कस करने के बाद मैं सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूं कि नीट और जेईई मेंस में किस कैटेगरी के किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो स्टार्ट करें अपना आज का ये मिशन, ये जर्नी, मिलके फोड़ते हैं, मस्त तरीके से सीखते हैं सारे कंसेप्ट। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने वादे किया कि आपको हर चीज सिखा के रहूंगा, इंडिया के हर बच्चे को वो हर चीज सिखा के रहूंगा जिसकी वो तलाश करता है, जो उसको नहीं मिलती है कॉम्पिटेटिव लेवल पे, ठीक है, इन दो टॉप मोस्ट एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके, सो इस मिशन में हम साथ में मिलकर चलेंगे। और हाँ, इस वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन होने वाले हैं, बट पीवाई क्यूज मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला है, डोंट वरी कि पीवाई क्यूज सर आप नहीं ले रहे हो, नहीं ले रहा हूँ। इस पूरे चैप्टर को, पूरी यूनिट को कंप्लीट करने के बाद जो मैं लास्ट में पीवाई क्यूज की वीडियो बनाता हूँ, उसी में सारे वो टॉप मोस्ट के जितने भी होंगे, नीट के, जेई के, आईआईटी के, वो सारे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई यहां से कंसेप्ट यूज होकर क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे मैं कवर करूंगा पीवाईक्यू की वीडियो में, ठीक है लास्ट में। अभी हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे जिससे कंसेप्ट सीखें और उसको अप्लाई करें, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। सो काफी हो गई बातें आज की, और जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो आज की, ठीक है। ये लेक्चर मजा आने वाला है, ठीक है। अब देखो, न्यूमेरिकल करने से पहले थोड़ा सा मैं जो जिस कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक पे आते हैं, तो वो टेक्निक आप अप्रोच कैसे करोगे, किस कैटेगरी क्वेश्चन ज्यादातर पूछ ले जाते हैं, उनको डिस्कस करने वाला हूं आपको। तो तीन कैटेगरी में यहां डिस्कस करूंगा दोस्तों, और तीनों कैटेगरी से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी माने जाते हैं, ठीक है। सो कैटेगरी नंबर 1, है ना, न्यूमेरिकल करने से पहले, न्यूमेरिकल में स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझना, बस जल्दी से इसको देख लेते हैं, उसके बाद मिशन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो जो टाइप लिख रहा हूं मैं, अगर यहां पे टाइप फर्स्ट ले लो, चलो है ना, टाइप फर्स्ट ले लेते हैं, अपने क्या जा रहा है। ओके, तो यार इसमें अगर वो किसी क्वेश्चन में कभी भी बोले कि इफ एनी चार्ज, ठीक है, इफ एनी चार्ज, और ऐसे बोले, ठीक है, ये मैं लैंग्वेज बता रहा हूं, ठीक है, ये मैं लैंग्वेज बता रहा हूं कि कैसे वो लैंग्वेज यूज करेगा, ठीक है, एनी चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज ऐसे बात करेगा, या तो कोई एक सिंगल चार्ज की बात करेगा या सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करेगा, इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो ऐसे बात कर रहा है कि भाई एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्ज हैं, या तो उसमें किसी एक चार्ज की बात करेगा, पूरे सिस्टम की बात करेगा कि वो इक्विलिब्रियम में है, तो इस कैटेगरी को आप कैसे हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो समझो, जब भी वो इक्विलिब्रियम का नाम यूज करेगा, मतलब उस सिस्टम में हर एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है और उसको जीरो करना है, मतलब उस पे एक्ट करने वाले नेट फोर्स जीरो होंगे, तभी वो इक्विलिब्रियम में। या अगर केवल अकेला चार्ज इक्विलिब्रियम में बोला, तो उस अकेले पे जिसके बारे में उसने इक्विलिब्रियम की बात करी है, बाकी सबकी वजह से जो नेट फोर्स लग रहे होंगे, अगर नेट सम जीरो ही होगा रिजल्टेंट, मतलब तो इक्विलिब्रियम का मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द नेट फोर्स एंड वी हैव टू पुट दैट नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, जो अननोन वैल्यू होगी अपने आप आ जाएगी। ये हुआ अप्रोच, इस लैंग्वेज पे डिपेंडेंट ये हुआ अप्रोच। अब अप्लाई करके भी दिखा देता हूं ना यार। तो दो कैटेगरी दोस्तों हम इसमें लेंगे, ठीक है, इसमें टाइप ए, एंड जिससे कि आपका दिमाग बिल्कुल जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे ही काम करे, कंपटीशन जैसे चाहता है कि आप ऐसे फॉलो करोगे तो आप जल्दी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, ठीक है, दो कैटेगरी, ठीक है सर। कैसे, सपोज करो गाइस, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, टाइप 1 कैटेगरी लेते हैं पहले। उसने बोला कि वी हैव द चार्जेस मे बी कैप्ट ऑन एक्स एक्सिस, मे बी कैप्ट ऑन वाई एक्सिस, जल्दी से आपको बताता हूँ, फिर न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसे अप्लाई करना होता है। यस, वो वही तो चीज सीखनी है।
ओके तो लेट्स सी, यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q1 सर, यहाँ पे चार्ज रखा है Q2, कंसेप्ट बताऊंगा फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, कंसेप्ट बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक ठीक है। तो दिस इज योर Q1 चार्ज एंड दिस इज योर Q2 चार्ज। उसने बोला इन दोनों चार्ज, ये दोनों चार्ज जो है ये एक एक्स एक्सिस पे रखे हैं, लेट्स सी ठीक है। और अगर ये दोनों चार्ज टाइप 1 का मतलब इफ दीज टू चार्ज विच आर कैप्ट एट रेस्ट ठीक है, अगर ये दोनों चार्ज एट यू नो दोनों के दोनों चार्ज पॉजिटिव है, इज ऑफ सेम साइन, इज ऑफ सेम साइन ठीक है, ये ध्यान देना। मतलब जब आप क्वेश्चन करोगे ना, वैसे तो कंसेप्ट में बताऊंगा तो डोंट वरी, लेकिन जब आप फंडा अप्लाई करोगे यहाँ पे जो ट्रिक बताने वाला हूँ तो उसमें ये जरूर देखना होता है कि ये दोनों चार्ज है वो साइन क्या है, अपोजिट नहीं होने चाहिए, सेम साइन होने चाहिए ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस समथिंग लाइक दैट। अब वो बोलता है कि इफ, अगर वो बोलता है इफ अ थर्ड चार्ज, देखो थर्ड लैंग्वेज ऐसे यूज करेगा, थर्ड चार्ज इज कैप्ड ठीक है, इज कैप्ड सच दैट यू कैन से सिस्टम ऑफ दीज चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, जैसे कि मैंने आपको बोला था है ना, ये जो सिस्टम है ये पूरा इक्विलिब्रियम में हो जाएगा अगर वो ऐसे बोल रहा है। अब यार ध्यान से देखो ठीक है, आप ध्यान से देख लो है ना, या वो जो थर्ड चार्ज है उस पर एक्ट करने वाले नेट फोर्स जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम है, वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में ऐसे बोल देगा। तो अगर ये जो ऑलरेडी चार्ज यहां पे रखे हुए हैं Q1 Q2 अगर ये सेम साइन के हैं तो जो थर्ड चार्ज होगा यू हैव टू पुट दैट थर्ड चार्ज इन बिटवीन दीज टू चार्जेस, नॉट आउटसाइड, मतलब इसके लेफ्ट में नहीं रखना है, इसके राइट में नहीं रखना है, पहले ही बता रहा हूं। तो ये अंडरस्टूड है अगर इन दोनों का साइन सेम होने वाला है ठीक है, अगर इन दोनों का साइन सेम होने वाला है तो कहीं ना कहीं उस थर्ड चार्ज की जो लोकेशन होगी आपसे पूछेगा कि उस थर्ड चार्ज की जो है वो लोकेशन कैलकुलेट करनी है। इफ द थर्ड चार्ज सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड लोकेशन ठीक है, लोकेशन मतलब पोजिशन और थर्ड चार्ज। अब किस थर्ड चार्ज की जो पोजिशन है वो कैलकुलेट करेंगे ठीक है सर, तो किस से देखेंगे, Q1 से या Q2 से, वो चलो बाद की बात है। सपोज करो हाँ, एक चीज हमारी क्लियर हो गई है कि सर अगर सेम साइन है इन दो चार्ज को और एक थर्ड चार्ज को यहाँ पे हम प्लेस कर रहे हैं, मे बी वो हम Q2 के राइट में रख सकते हैं, मतलब इस सिस्टम के आउटसाइड या इसके लेफ्ट में या इनके बीच में कहीं रख सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से डिसाइड करोगे, अगर ये दोनों के साइन सेम है तो इनके बीच में ही कहीं ना कहीं होगा, आपको बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स सी, मैंने उसको कहीं यहाँ रख दिया Q3 को ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये A है, समझ गए, वो बोल रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो बताओ उसकी पोजीशन क्या है ठीक है। तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो इस पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इसके ऊपर भी नेट फोर्स, मतलब अगर मैं Q1 पे नेट फोर्स निकालूंगा Q1 पे ठीक है, जो भी होगा अगर मैं Q1 पे नेट फोर्स निकालू, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है तो नेट फोर्स इस पे किसकी वजह से आएगा, क्योंकि ये पिटन पिटने वाला है, इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से, तो इट मच बी इक्वल टू जीरो। अगर मैं इस पे नेट फोर्स निकालू ठीक है, नेट फोर्स किस पे सर, सेकंड पे, तो भाई इसकी पिटाई होने वाली है, मतलब इस पे हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं तो इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से ठीक है, इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। और जो थर्ड चार्ज है, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो हर चार्ज इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम में होगा, तो इस पे भी जो नेट फोर्स आएगा इस पे सर, थर्ड वाले पे जो ये और ये अप्लाई करेगा क्योंकि इसकी पिटाई होने वाली है, तो इट ऑल्सो भी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये तो रहा रूल ठीक है। अब सर करेंगे कैसे, तो जिस चार्ज की पोजीशन पूछी है चांदी मेरे, जिस चार्ज की पोजीशन पूछी है आपने क्या करना है, उसको इक्विलिब्रियम में सेट कर दो ठीक है, उसको इक्विलिब्रियम में सेट करो, मतलब उस पर नेट फोर्स निकालो इस पे ठीक है। अब आप क्या करोगे देखो, निकालने के लिए लेट्स सी, मैंने इसको इन दोनों के बीच में ए पॉइंट पे रख दिया, फ्रॉम दिस मान लिया Q1 से हमने इसकी डिस्टेंस चेक करी एक्स है, और जो Q1 Q2 ऑलरेडी उनके बीच की डिस्टेंस कुछ डी मान लो, Q1 Q2 के बीच ऑलरेडी डिस्टेंस कुछ डी मान लो, कुछ मान लेते हैं दोनों के बीच में डिस्टेंस ठीक है, और ये एक्स है। तो लेट्स सी, मैंने इस चार्ज को यहाँ पे कैप्ट किया या पुट किया है फ्रॉम चार्ज Q1 एट ए डिस्टेंस एक्स, इससे भी मान सकते थे, आपकी मर्जी है, हम किसी से भी मान सकते हैं ठीक है, हमारी मर्जी है, नो प्रॉब्लम। तो हमें एक्स चाहिए इससे, अगर हमें इससे पोजीशन निकालनी होगी तो ऑब्वियस है ये पोजीशन कितनी होगी, देखो डी में से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देना, ये होगी कुछ एक्स टू मान लो उसको, अगर मैं इसको एक्स वन मान रहा हूं कुछ भाई, ये अगर आ गई तो पूरी में से सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाएगी, यार क्या बात कर रहे हो। तो पहले कंसेप्ट बता रहा हूँ फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो तरीका क्या है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है तो उस पर नेट फोर्स जो होगा उसको जीरो करना है, बस ये तरीका है ठीक है जी। तो ये प्लस है, ये प्लस है, इसका फोर्स आएगा इधर F1 जो ये अप्लाई करेगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी रिपेल करेगा, इसका फोर्स आएगा इधर अवे, समझ गए होंगे।
अब इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, देख लो पॉइंट ए के ऊपर जो चार्ज रखा है क्यू थ्री, एक इधर को एक्ट कर रहा है, एक इधर को एक्ट कर रहा है। नाउ यू कैन सी फर्स्ट लेक्चर में हमने बढ़िया से सीखा था कि इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट इज अपोजिट टू ईच अदर देन द नेट फोर्स एट दैट पॉइंट इज देयर डिफरेंस, उनके डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है सर, अब ए पे नेट फोर्स इतना आया है और इक्विलिब्रियम बोला है तो इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो उसको जीरो करना है पहले उस पॉइंट पे जिसको इक्विलिब्रियम सेट कर रहे हैं उस पे नेट फोर्स निकालेंगे, उसको इक्वल टू जीरो करेंगे। तो एफ वन माइनस एफ टू, क्योंकि देखो यहां पॉसिबिलिटी है क्योंकि इस पे एक्ट करने वाले दोनों फोर्स अपोजिट है, अगर वो इक्वल हो गए, अगर वो इक्वल हो गए तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है ना। ठीक है, तो यहां पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर आप इसको यहां पे रखते पॉइंट ए को थर्ड चार्ज को, तो देखो ये वाला इसको इधर रिपेल करता और ये वाला भी इसको इधर रिपेल करता, करता कि नहीं करता, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो देर इज नो पॉसिबिलिटी, देर इज नो, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे ना, वो तो बढ़ रहा है, घट थोड़ा ही रहा है, यहां अपोजिट है, तो यहां पॉसिबिलिटी है कि वो सब्ट्रैक्ट होके कम हो रहे हैं, और अगर इक्वल हो गए तो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, यहां कम हो ज्यादा हो लेकिन ऐड हो रहे हैं ना, कुछ तो वैल्यू बचेगी, मतलब वो फिर डिपेंड करेगा इन चार्ज के नेचर पे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा इन चार्ज के नेचर पे, अगर दोनों का चार्ज सेम है प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो ना तो इधर इक्विलिब्रियम मतलब उस पे नेट फोर्स जीरो होगा, ना इधर, इनके बीच में कहीं होगा, समझ गए ना लॉजिक। यस, अब आ जाओ जरा। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, देखना भाई, अब हम करने वाले हैं तो जीरो कर दे सर, तो एफ वन मस्ट बी इक्वल टू एफ टू, ये करना है सर, बिल्कुल सर ये करना है बिल्कुल। अब F1 की वैल्यू पुट कर दो, मतलब इसने जो इस पे फोर्स अप्लाई किया, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा क्या होगा सर, K, Q1, Q3, इसके बीच में डिस्टेंस है सर X, ठीक है सर, X का स्क्वायर, फिर K, इसके और इसके बीच में K, Q2, Q3, और इनके बीच की डिस्टेंस है D माइनस X का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन सी Q3 कैंसिल, K कैंसिल, अब यहां से x निकालना है भाई, x ही तो निकालना है यार, क्या बात कर रहे हो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देख सकते हो q1 into d minus x का होल स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, q2 into x का स्क्वायर, बस इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, आपका आंसर बन जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दिस इज द वे हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, ये हुआ एक्चुअल तरीका, अब आ जाओ, अब आते हैं फंडा क्या है सर, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है सर, यहीं से आएगा फॉर्मूला, बस उसको मैंने फंडे के फॉर्म में लिख दिया जिससे आपका टाइम बचे, कंसर्ट भी आना चाहिए ना बोस। अब आपने जब आप फंडा अप्लाई करने जाओगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और आप पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझ चुके होंगे कि दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, दिस थर्ड चार्ज, वेयर वी पुट दिस थर्ड चार्ज सच दैट दिस सिस्टम, दिस चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, सो व्हाट इज द पोजीशन, है ना, वेयर वी पुट दिस चार्ज, है ना, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट चार्ज, वो पूछ सकता है, मे बी फ्रॉम क्यू वन, मे बी फ्रॉम क्यू टू। अब देखो ध्यान से, अगर उसने बोला सेम साइन है, ठीक है, जिनके जिस कॉम्बिनेशन में उस थर्ड चार्ज को प्लेस कर रहा है Q1 Q2, उनका साइन अगर सेम है, तो आप क्या करेंगे, सपोज करो पहले जिस भी चार्ज से, पहला छोड़ो जिस भी चार्ज से आपको पोजीशन चाहिए, सपोज करो Q1 से चाहिए, उसकी पोजीशन है X1, तो X1 लिखेंगे, ठीक है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस लिख लो इनटू, जिस भी चार्ज से पोजीशन निकालनी है उसी चार्ज को अंडर रूट में लिख दो और डिवाइड में दोनों का अंडर रूट में सम कर दो, खत्म कहानी, x1 आ गया, मींस x1 ये आया फ्रॉम q1, जिससे निकालना है उसी का चार्ज d के साथ, दोनों के बीच की डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई में लेना है, ग्रेविटेशन में भी बताया था नीचे दोनों का सम होता है रूट में, ठीक है, बस हो गया, मतलब सर आप ये कह रहे हो तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, यस कराऊंगा मैं क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेने का। अब देखो q2, q2 देखो, अगर आपने निकालना है q2 से इसकी डिस्टेंस, सपोज करो x2 है, तो x2 इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, टोटल डिस्टेंस, और जिससे निकाल रहा हूं उसी को अंडर रूट में ऊपर लिखेंगे, नीचे दोनों का सम रहेगा कॉमन दोनों में, ठीक है, आगे आंसर, ठीक है, आगे आंसर, यहां से जब सॉल्व करोगे तो ये रिलेशन आएगा, जब वहां से x निकालोगे तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, फिर उस x को d में से सबट्रैक्ट कर देना तो ये वाला आ जाएगा। तो दिस इज द ऑसम तरीका, यू हैव टू रिमेंबर दिस टू सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी क्विकली, समझ गए बॉस, कर देना, उड़ा देना, फोड़ देना। तो पहले क्वेश्चन में बाद में करूंगा, पहले मैं ये ट्रिक बता रहा हूं आपको। तो टाइप वन हो गया, यस, टाइप वन में क्या सीखा हमने, मतलब चार्ज, दीज टू चार्जेस हैविंग द सेम साइन। अब टाइप टू में क्या देखेंगे, जल्दी उड़ाएंगे ना उसको भी, वो भी जल्दी से टाइप बी देख लेते हैं क्या होगा सर इसमें, अगर ये दोनों चार्ज क्यू वन क्यू टू, इफ क्यू वन एंड क्यू टू बोथ आर अपोजिट, अगर ये अपोजिट साइन के हैं तो क्या करोगे बॉस, हाँ देखो डायरेक्ट बता रहा हूँ, टेंशन नहीं है, अगर ये अपोजिट है तो देखो पहले उनको ज्वाइन कर दो जिस भी एक्सिस पे रखे होंगे, ठीक है, तो 100% आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर अपोजिट है तो जो थर्ड चार्ज होगा, देन थर्ड चार्ज पोजिशन, ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूं, विल बी आउटसाइड आउटसाइड
डिस्चार्ज सिस्टम, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में तो नहीं होगा, आउटसाइड में होगा, मतलब या तो क्यू के इधर होगा, क्यू वन के या क्यू टू के इधर होगा, ठीक है, ध्यान से समझना, मतलब जो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी और मजा आएगा, ठीक है ना, न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी, टाइम बचेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखा दोनों के साइन, जैसे प्लस है ये माइनस है मान लिया, तो मैं इसके बीच में कहीं भी नहीं पुट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम में वो नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली जब हम करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो या तो उसको इसके लेफ्ट में या राइट में, अब कैसे पता चले इधर रखे हैं इधर, क्योंकि दो पोजिशन है, चलो बीच में तो कहीं भी रख लो, इधर कहाँ रखे, या तो उसके लेफ्ट में या इसके राइट में, ये भी पंगा है, फिर हमें दो ही क्वेश्चन बनानी पड़ेगी, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देन चेक, नाउ क्या चेक करना है सर, चेक द मैग्नीट्यूड, ठीक है, अबे यार कैसा दी लिखता हूं मैं, मैग्नीट्यूड है ना, इफ अगर Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा है, ठीक है, तो ये ज्यादा हो गया, ये स्मॉलर हो गया, ठीक है, तो जो स्मॉलर चार्ज होगा उसके ही साइड में रखना है, हमेशा आउटसाइड में उसी के साइड में पॉइंट मानना है, और वो थर्ड चार्ज वहीं रखना है ना, स्मॉलर, मतलब पहले क्या चेक करना है, दोनों अपोजिट है, फिर उनमें से जो कम होगा उसी की साइड में चार्ज को रखना है, और उसी से उसकी डिस्टेंस इमेजिन करनी है। सपोज करो एक्स वन है, इनके बीच की डिस्टेंस है, तो इससे डिस्टेंस कितनी होगी, डी प्लस एक्स वन एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू एक्स टू, समझ गए आप। अच्छा सर अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया, इफ सेकेंड चार्ज ज्यादा है और स्मॉल जो क्यू वन चार्ज है वो कम है, तो ये ज्यादा हो गया कम, ये स्मॉलर हो गया, दिस इज योर स्मॉल, ठीक है, तब आप इधर रखोगे, ठीक है ना, तब आप इधर रखोगे, मतलब मैं यहां बना देता हूं क्यू वन, डायरेक्ट ही पता चल गया कि नहीं, डायरेक्ट पता चल गया, ठीक है, फिर आप थर्ड चार्ज को यहां पर रखोगे इक्विलिब्रियम सेट करने के लिए, और इससे डिस्टेंस मान लेना कुछ एक्स वन, तो इससे डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां तक, D प्लस एक्स वन दैट मस्ट बी दिस वन, क्योंकि इनके बीच के कुछ डिस्टेंस R या D जो भी मानोगे मान लेना, स्मॉलर की साइड में उसको रखना है, तो इससे टाइम बच गया आपका, ठीक है, स्मॉलर की साइड में रखना और टाइम बच गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ईजिली आप बता सकते हो दोस्तों, बहुत ईजिली, ठीक है, कि क्या चल क्या रहा है सर, ठीक है ना। अब आ जाओ जरा, अब क्या करेंगे सर, तो सर ये पोजिशन निकालेंगे कैसे, सपोज करो यहां पर स्मॉलर ये था, ठीक है, और आपने इसी के पास उसको रखा है, तो इसी इसी पोजिशन कितनी होगी, अगर ये निकालनी है, तो अगर ये पोजीशन निकालनी है तो क्या बताया मैंने, दोनों के बीच की डिस्टेंस लो, और जो स्मॉलर है, जो चार्ज स्मॉलर है वो लो, डिवाइड में जो चार्ज ज्यादा है, यानी जो बिगर चार्ज है वो उसका चार्ज लेना है, माइनस करना है बस, और जो चार्ज स्मॉलर है बस ये फंडा अप्लाई करना है, ये फंडा अप्लाई करना है, दोनों में वैलिड होगा ये, ठीक है। जैसे यहां ये स्मॉल है तो क्यू टू लेंगे, ठीक है, और यहां पे क्यू वन स्मॉल है, कहां गया, क्यू वन स्मॉल है तो क्यू वन ले लेंगे, बस ऊपर डी इंटू जो इसमें से स्मॉल है वो ऊपर लेना है, नीचे बिग वाले में से माइनस करना है स्मॉल वाले को, एंड दैट इज द वे, है ना, दिस इज द पोजीशन, कहां से, फ्रॉम स्मॉलर, और अगर बिगर से पोजीशन निकालनी है तो डी माइनस एक्स वन कर देना, दिस इज द पोजीशन फ्रॉम जो बिगर चार्ज होगा, आप समझ जाएंगे अब, ठीक है, अब आसान हो गया ना, डायरेक्ट फंडा अप्लाई करेंगे, क्यों इक्वेशन बनानी है, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा अदरवाइज, सो डायरेक्ट फंडा आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन फोड़ सकते हैं, 100% क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ सकते हो, ये टाइप वन हुआ, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन अगर आए तो ऐसे फोड़ने करके देखेंगे ना भाई क्या बात कर रहे हो, अब ऐसे आप खुद भी कर लोगे अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है, अब कोई टेंशन ही नहीं है। टाइप टू पे चलता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस एंड द नीट एग्जाम, एंड द थर्ड वन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी से हम करते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं, कम ऑन गाइस। ओके दोस्तों, टाइप टू आ गया और मजे से हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला हर टेक्निक आपको सिखाने वाला हूँ हर टाइप के क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सर, यहां पे मैंने लिखा है प्रॉब्लम्स व्हेन चार्ज पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम, अगर एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई उसने क्वेश्चन में बोला है कि ये पार्टिकल जो है एग्जीक्यूट करेगा एसएचएम या नहीं करेगा, मतलब उसने एक हिंट दे दिया, ठीक है, तो उस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे करना है, देख लो भाई, आ जाओ आ जाओ, सपोज करो दो तरीके बताऊंगा, या तो वो इफ द पार्टिकल कैप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड व्हेन द पार्टिकल इज कैप्ट ऑन वाई एक्सिस, दोनों चीज मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस वाला ले रहा हूं, सपोज करो एक चार्ज यहां पे रखा है क्यू वन और एक चार्ज यहां पे रखा है क्यू टू एंड इनके बीच में कहीं एक थर्ड चार्ज रखा है क्यू थ्री, ठीक है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है, और हमने मान लिया कि जो थर्ड चार्ज है ये रेस्ट पे है, ठीक है, ये जो है ये भी रेस्ट पे है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये एज इट इज रखा है, ये पहले से ही है, ठीक है, ये पहले से ही है, तो हो सकता है इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी भाई, कुछ भी ले लो आप, लेट्स से इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है और इससे इसकी डिस्टेंस कुछ हो जाएगी, इससे इससे कुछ डिस्टेंस हो जाएगी, इस तरीके से, मतलब ये वाला जो है ये इक्विलिब्रियम में है, ऐसे समझ लो, पहले से उसने बोल दिया ये रेस्ट पे है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसका जो नेट फोर्स है इस पे वो जीरो है, ऐसे समझो। अब वो क्या बोलेगा क्वेश्चन में, इफ वी, ये ध्यान देना है, इफ वी डिस्प्लेस, ठीक है, इफ यू डिस्प्लेस थर्ड चार्ज,
बाय अ स्मॉल, है ना, बाय अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऐसे समझना, बाय अ स्मॉल, किधर को भी डिस्प्लेस कर दो, एक्स एक्सिस पर रखा है तो इधर को करोगे या इधर को करोगे, देन रिलीज, एंड देन रिलीज, ठीक है, एट, ठीक है, फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो व्हाट, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द टाइम ऑफ ऑसिलेशन व्हेन द चार्ज पार्टिकल विल एग्जीक्यूट द ऑसिलेशन। तो वो जो टाइम पूछेगा, अगर आपसे यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि इज दिस पार्टिकल विल एग्जीक्यूट एसएसएम और नॉट, ऐसे भी पूछ सकता है, या फिर ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा केवल। अगर आपको एसएसएम की नॉलेज नहीं तो मैं यहाँ बताऊंगा, आपको टेंशन मत ले। या फिर किस टाइप की मोशन करेगा, नेचर ऑफ द मोशन पूछ सकता है, लीनियर करेगा, एसएसएम करेगा या ऑसिलेशन करेगा, क्या करेगा, ठीक है, और कुछ भी पूछ सकता है इस तरीके से। बट आप इस लैंग्वेज में ध्यान दें, इफ यू डिस्प्लेस द थर्ड चार्ज बाई ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देन द एंड देन रिलीज इट, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे सर, देखना, किसी एक डायरेक्शन में रिलीज करो, ठीक है, आप ध्यान से देखना, दोनों सेम चार्ज, सेम साइन, सेम चार्ज, सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, है ना, सेम साइन है। अभी ये देखो, तो ये वाला जो है, ये वाला जो थर्ड है, इसको अपनी इस पोजीशन से जहां पे ये इक्विलिब्रियम में है, है ना, है ना, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं इसको, जहां पे वो इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो है, इसको डिस्प्लेस कर दो थोड़ा सा। मान लिया आपने इसको इधर शिफ्ट कर दिया यहां तक, ठीक है जी, इधर शिफ्ट किया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट दिया एक्स एक्सिस पे, इधर इसको एक्स, समझना। अब ये पार्टिकल जो ए पॉइंट पे रखा हुआ था, अब ये बी पॉइंट पे आ चुका है, बहुत ध्यान से समझिए बॉस। हम क्या करेंगे, ये जो पोजीशन है, जब आपने इसको शिफ्ट कर दिया, इसको बोलते हैं इसकी डिस्प्लेस्ड, ठीक है, डिस्प्लेस्ड पोजीशन, मतलब जहां पे इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके आपने छोड़ दिया। अब क्या होगा इसके साथ, देखो, विजुअलाइज करना इस चीज को, क्या मजा आने वाला है, देखना, बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अब नेट फोर्स चेक करो इन दोनों की वजह से, क्योंकि अगर ये यहां रेस्ट पे था तो दोनों की वजह से नेट फोर्स यहां जीरो होगा, तभी रेस्ट पे था, ठीक है। अब जब आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया, देखो, Q1 से इसकी जो डिस्टेंस है यहां तक, सपोज करो D1 है, तो ये D1 प्लस एक्स हो जाएगी, क्योंकि ये D1 प्लस एक्स, ठीक है, और Q2 से इसके डिस्टेंस, सपोज करो ये पहले D2 था, तो इतना ये इसकी साइड को शिफ्ट कर गया, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ये मान लिया D2 है, ठीक है, तो D2 माइनस एक्स हो जाएगी, मतलब ये कम हो गई, मतलब ये चार्ज पार्टिकल Q2 की तरफ आ गया है, ठीक है, देखो, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, ये वाला पॉजिटिव है और ये थर्ड चार्ज यहां रखा है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको रिपेल करके इधर को भेजेगा, सपोज करो इस सेकंड का फोर्स इधर आ गया, और ये वाला भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है थर्ड चार्ज, तो ये इसको रिपेल इधर को करेगा, इसका फोर्स इधर को आ गया। अब आप खुद सोच के मेरे को बता सकते हो गाइस, ठीक है, अगर मैं मान लूं इन दोनों का चार्ज सेम है, ठीक है, अगर मैं मान लूं इन दोनों का चार्ज सेम है, लेकिन इस चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा हो गई और जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस बढ़ेगी, चार्ज कम होगा, फोर्स कम होगा, मतलब इसका इस पर्टिकुलर बी पॉइंट पे रखे हुए चार्ज पे फोर्स कम हो गया, यानी ये कम हो गया, और यहाँ पे चूंकि ये चार्ज इसके पास आ गया, डिस्टेंस कम, तो फोर्स बढ़ गया और एफ को यहां बढ़ गया होगा, मतलब इस पार्टिकल पे अगर मैं इसको यहां बनाऊं दोबारा से, ठीक है, ये था Q1, ये थी इसकी मेन पोजीशन, वो यहां पे है बी पर, मेन पोजीशन को हमने माना था ए, अब वो बी पे है, इतना शिफ्ट कर गया इधर को, तो इस पे एक फोर्स आ रहा है इधर को F2, एक फोर्स आ रहा है इधर को F1, यहां चार्ज था आपका Q2 और ये चार्ज है आपका Q3, तो आप देख सकते हो यहां पे F2 इज ग्रेटर देन F1, तो अल्टीमेटली अगर आप देखो, अल्टीमेट प्रोसेस बता रहा हूं, क्वेश्चन कैसे करोगे, अल्टीमेटली इस पे जो नेट फोर्स होगा वो इसकी मेन पोजीशन की तरफ होगा, जहां पे रेस्ट पे था, मेन पोजीशन मतलब जहां पे वो रेस्ट पे था ओरिजिनली, तो इस पे नेट फोर्स कहीं ना कहीं इधर को एक्ट कर रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, नाउ यू कैन सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, याद आया कुछ, नेट फोर्स की डायरेक्शन, अगर मेन पोजीशन से किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस करने के बाद वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करे, मतलब दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द नेसेसरी सिचुएशन जब हम SSM की तरफ बढ़ रहे होंगे, अगर कभी भी किसी भी पार्टिकल को उसकी ओरिजिनल मीन पोजिशन से शिफ्ट करने के बाद उस पर नेट फोर्स के डायरेक्शन उसी के डायरेक्शन में हो जहां से उसको शिफ्ट किया है, तो ये फोर्स कैलकुलेट करना है, नेट कैसे भी निकालो, ये नेट फोर्स निकालेंगे और फिर ये प्रूव करेंगे कि ये जो नेट फोर्स है और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स, इसके पावर 1 के और इसके माइनस साइन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट की सिंगल पावर के साथ नेगेटिव साइन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस टाइप की मोशन को सिंपल हार्मोनिक कहा जाता है, मतलब कैसे सर, मान लिया ये पार्टिकल यहाँ है, ये रहा, ये इसकी मेन पोजिशन है, अभी हिल नहीं रहा, मैंने थोड़ा सा शिफ्ट किया तो इस पर एक फोर्स लगा इधर को, जिधर से शिफ्ट किया उधर को, तो ये ऐसे आया, फिर आगे गया, फिर ऐसे ऐसे करने लगा, तो जब एक फिक्स पॉइंट के बाद कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे करे
ठीक है, और उस पर एक्ट करने वाला फोर्स हमेशा उसके डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन के साथ सिंगल पावर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो इस टाइप की मोशन देखो, ना तो ये लीनियर ही है, ना ये गोल गोल घूम रहा है, बस आगे पीछे चक्कर काट रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। इस टाइप की मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी का स्पेशल केस SSM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर नहीं पढ़ा तो फिलहाल इतना याद रखो, समझ में आई बात। तो अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो हम बता दिया ना हमने, वो पूछेगा किस टाइप की मोशन करेगा ये पार्टिकल, बता देंगे SSM करेगा, ऑसिलेटरी करेगा, हाँ ऑसिलेटरी है लेकिन SSM सिंपल हार्मोनिक वाली ऑसिलेटरी है जिसका टाइम पीरियड फिक्स होगा और हम निकाल सकते हैं। ऑसिलेटरी डजंट मीन SSM करेगा, अगर SSM है तो पक्का ऑसिलेटरी करेगा। ऑसिलेशन का मतलब जैसे आप बचपन में झूले में झूलते थे, आपको कोई पुश करता तो आप ऐसे ऐसे करते रहते थे, ऐसे ऐसे, तो ये ऑसिलेटरी है, ठीक है। लेकिन अगर उसका टाइम भी फिक्स है तो ये सिंपल हार्मोनिक भी है, ऑसिलेटरी ही सिंपल हार्मोनिक बनाती है, ठीक है। अगर टाइम फिक्स कर दे उसका टाइम पीरियड, मतलब उसके चक्कर काटने का उसका रेवोल्यूशन जो होगा है ना, उसके जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है वो टाइम अगर हम फिक्स कर दे, समझ पा रहे हो, घड़ी का पेंडुलम होता है, ठीक है, घड़ी का पेंडुलम तो फिक्स टाइम पे होता है एकदम, वो SSM है, ठीक है, वो SSM है सिंपल हार्मोनिक। ऑसिलेटरी तो कर रहा है, क्लियर, इतना समझो बेसिक। तो ना तो ये लीनियर है, ना ये सर्कुलेटरी मोशन है, ना ये ऑसिलेटरी है, ये SSM है, ठीक है, यस ये SSM है, ऐसे बोलेंगे। और अगर SSM और उसने टाइम पीरियड पूछ लिया कि जब ये ऐसे कर रहा होगा, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो मेन पोजिशन से इधर शिफ्ट करके देख लो, तो इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा और इस वाले का देखो कम हो जाएगा, F2 और या F1 ज्यादा, तो अब ये F1 ज्यादा होने के नेट फोर्स इधर लगेगा तो फिर से मेन पोजीशन की तरफ जाएगा और ये इन दो पॉइंट के बीच में ऐसे ऐसे करता रहेगा। तो इसका जो टाइम पीरियड है इस टाइप में हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट और उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे यहाँ नेट फोर्स से और यहाँ पुट कर देंगे और इस फॉर्मूले के यूज करके टाइम निकाला जा सकता है। अगर पूछेगा डिस्प्लेसमेंट और उसका एक्सेलरेशन का रेशियो निकाल के इस फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऑसम कंसेप्ट है ये, ऑसम, ठीक है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब वो चाहे एक्स एक्सिस पे रखा है, चाहे वाई एक्सिस पे रखा है, तरीका सेम है, बस उसको डिस्प्लेसमेंट देना है, अपने छोड़ना है, फिर नेट फोर्स की डायरेक्शन चेक करनी है। अगर नेट फोर्स सेंटर की तरफ उसके मेन पोजीशन की तरफ आ रहे जहां से शिफ्ट किया तो SSM करने के चांस है, अगर सेंटर की तरफ नहीं आ रहा तो SSM करने के कोई चांस नहीं होंगे। एक एग्जांपल देता हूं, आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी, फिर न्यूमेरिकल करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ओके। तो जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत सेकंड कंडीशन इसकी, देखो सर सीधी सी बात है, अगर ये चार्ज यहां पे तीनों चार्ज एक्सिस पे रखे हैं, मान लिया दोनों चार्ज जैसे मैंने अभी बोला था दोनों सेम है तो इन दोनों इनकी डिस्टेंस भी सेम है तो इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। तो इस समय ओरिजिन पे है तो इस पर जो नेट फोर्स है यहां वो जीरो है, मतलब ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, उसको टेंशन ही नहीं है, रेस्ट पे आराम से बैठा है, जैसे आप बैठो घर पे ऐसे रेस्ट पे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बट उसने बोला कि अगर देखो अभी जो हमने केस देखा एक्स एक्सिस पे शिफ्ट किया था, अब उसने बोला कि अगर हम इसको वाई एक्सिस के अलोंग शिफ्ट करें, नीचे या ऊपर कहीं भी कर लो आपकी मर्जी है, पहले ऊपर देखते हैं, अगर आपने इसको ऊपर को शिफ्ट किया मान लिया यहां तक, तो कितने ऊपर शिफ्ट किया वाई एक्सिस पे, लेट्स सी वाई, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस एंड हियर इज एट दिस पॉइंट, ओ से कहीं दूसरे पॉइंट पे चला गया, लेट्स सी, इसको हम मान सकते हैं पॉइंट ए। अब देखो तरीका क्या था, जिस पॉइंट पे वो है वो उसकी डिस्प्लेस्ड पोजीशन है, उस पे नेट फोर्स निकाल लो इन दोनों की वजह से, फिर उसकी डायरेक्शन चेक करो, अगर वो डायरेक्शन जहां ये रेस्ट पे था ओरिजिन पे, ये इसकी मेन पोजीशन है, उधर को होगी तो SSM कर सकता है, मतलब एक ऐसी मोशन कर सकता है जो ऑसिलेटरी टाइप की हो सकती है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर ये पक्का लीनियर मोशन करेगा, मतलब ये वापस आएगा ही नहीं जिधर से गया था, ठीक है, आप घर से चले गए लेकिन आप वापस ही नहीं आए, समझ गए। तो क्या करना है, इसको इससे ज्वाइन करो और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये भी चार्ज पॉजिटिव ये भी, तो इसका फोर्स जाएगा इधर, मान लिया ये Q1 है Q2 है, सेम सेम मान लेना वो अलग बात है, मैंने नाम इसलिए दिया F1 F2 मैं लिख सकूं, ठीक है, फिर इसको इससे ज्वाइन करो, ठीक है, जब ये ज्वाइन करोगे इसका फोर्स इधर आएगा इसी लाइन पे, तो आप देख सकते हो यहां पे अगर ये एंगल थीटा है ये भी थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट आएगा, क्योंकि दोनों की देखो ये डिस्टेंस मान लिया डिस्टेंस ए है और ये भी डिस्टेंस ए है, तो देखो ये ए ये वाई, तो इसको आर मान लो तो ये भी आर ही होगी, क्यों, क्योंकि जब पाइथागोरस यूज करोगे आप तो आर को निकालने के लिए आप अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने वाले, क्योंकि दोनों के लिए सेम रहेगी, कॉमन रहेगी ये भी, ये डिस्टेंस सेम है, तो यहां से भी आर कितना आएगा सर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा। तो देखो ये दोनों चार्ज सेम और इन दोनों चार्ज से इस पॉइंट की जहां पे चार्ज शिफ्ट हो गया ए पे, डिस्टेंस भी सेम तो ये दोनों फोर्स भी सेम, फोर्स भी सेम हो गया कि नहीं, तो देखो ये वाई एक्सिस के साथ किसी एंगल पे है तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा यानी एफ कॉस थीटा, क्योंकि फोर्स सेम है मैंने एफ ले लिया, इधर भी इसका आएगा एफ कॉस थीटा, एक फोर्स इसका इधर जाएगा एफ साइन थीटा और एक फोर्स इसका इधर जाएगा एफ साइन ऑफ थीटा, मतलब F1 का ये F2 का ये फोर्स तो सेम ही है, डिस्टेंस चार्ज सेम है, तो आप देख सकते हो इस पॉइंट पे x के अलोंग अब की बार फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे तो सारा इस पे फोर्स ऊपर को ही एक्ट कर रहा है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब इस पॉइंट पर इस बार आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे
इस पॉइंट पे इस बार नेट फोर्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लग रहा है, यानी जो नेट फोर्स लग रहा है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, मतलब वो जिधर से ये आया नीचे को कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब इस फोर्स की जो डायरेक्शन है नेट वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। सो हैंस वी कैन से इस पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लग रहा है ये इसको ऊपर को खींच रहा है और पार्टिकल ऊपर को चलता रहेगा, कभी वापस आएगा ही नहीं, और ऊपर को जाएगा मतलब ये लीनियर मोशन करेगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये लीनियर मूवमेंट करेगा SHM नहीं करेगा। सो वी कैन से SHM नहीं करेगा, तो अगर क्वेश्चन का ऑप्शन में है कि कौन सी मोशन करेगा तो लीनियर मोशन ये करेगा, बट SHM नहीं करेगा, ऑसिलेटरी नहीं करेगा, सर्कुलेट कुछ भी नहीं करेगा, लीनियरली आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन सेंटर की तरफ है ही नहीं। क्लियर हुआ पॉइंट? फोर्स के डायरेक्शन सेंटर की तरफ है ही नहीं, तो सर करेंगे क्या फिर? तो अगर ये चार्ज, ये वाला जो चार्ज है थर्ड चार्ज था, ये पॉजिटिव था, ये इन दोनों के साइन के इक्वल था, अगर ये नेगेटिव हो जाए, इफ दिस चार्ज बिकम्स नेगेटिव, तो पक्का ये SHM कर सकता है फिर। देखो क्यों, जब ये नेगेटिव होगा तो ये जो फोर्स इधर जा रहा है F1, इसके डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इसकी इधर हो जाएगी, और एंगल फिर ये इसका नेट कंपोनेंट नीचे को आएगा, और नेट अगर नीचे को आएगा तो सेंटर की तरफ लेके जाएगा, फिर ये इधर आ सकता है, और चूंकि ये नेगेटिव है तो यहां से जो फोर्स आएगा फिर वो इधर आएगा, देखो यहां से जो फोर्स आएगा फिर इधर आएगा, तो यहां पर ये जो कंपोनेंट है फिर से इधर को सेंटर की तरफ एक्ट करने लगेगा, तो ये सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, चाहे ऊपर शिफ्ट करो चाहे नीचे, और ये ऐसे ऐसे करेगा, तभी SHM कर सकता है। मतलब वाई एक्सिस पर जब आप शिफ्ट कर रहे हो तो थर्ड चार्ज जिसको आप शिफ्ट कर रहे हो दैट शुड बी अपोजिट साइन ऑफ दीज टू चार्जेस, मतलब ये प्लस प्लस है तो नेगेटिव होना चाहिए, अगर ये माइनस माइनस है तो प्लस होना चाहिए, आप समझ गए ना लॉजिक। हाँ, कैलकुलेट कैसे करना है वो तरीका मैंने पहले ही बता दिया आपको। सो दिस इज द वे यू कैन हैंडल द टाइप ऑफ क्वेश्चन, समझ गए? टाइप टू खत्म, क्वेश्चन ही करने हैं, टेंशन ही लेने का। ओके ओके, इसको जल्दी से देख लेते हैं, जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि यार इस पे डिपेंडेंट जो क्वेश्चन है उसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ऑसम टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो हर टाइप का कंसेप्ट आपको आएगा, आप सॉल्व करेंगे और मस्त तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट उनमें अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन यू नो आपके लिए है बॉस, ठीक है? तो देखो कभी कभी कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें मल्टी कंसेप्ट यूज हो रहे होते हैं, तो बस आपको एप्लीकेशन करना आना चाहिए, क्योंकि चीजें हमने सारी अच्छे से सीख ली है। क्या है सर, देख लो जल्दी से। उसने बोला टू पार्टिकल हैविंग मास m and each of charge q आर प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। आप देख सकते हो यहां पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और दो पार्टिकल उसने लिए हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है? मान लेते हैं दो पार्टिकल, इसका मास m है, इसका चार्ज q है, ठीक है सर? एक पार्टिकल ये रहा, इसका मास m है, इसका चार्ज q है, ठीक है? बढ़िया है सर। और जिस सरफेस पे ये रखे हैं ये रफ सरफेस है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पे म्यू होने वाला है, ठीक है? जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दे रखा है आपको, दैट इज म्यू। देन व्हाट कैन बी द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन दीज टू पार्टिकल सच दैट दे रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है? सच दैट दे रिमेन्स एट रेस्ट, या स्टेशनरी यू कैन से, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें निकालनी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करनी है, किस कंडीशन में कि ये दोनों के दोनों रेस्ट पे ही रहे। अब पहले तो देखो ये मूव क्यों करेंगे, फिर ये देखो अगर मूव करेंगे तो फिर रेस्ट पे क्यों रहेंगे, ठीक है? ये समझना जरूरी है ना, ये पार्टिकल है इनके ऊपर चार्ज है, बिल्कुल सर, और ये चार्ज दोनों पे प्लस प्लस है, तो ये वाला पार्टिकल इसको इधर को रिपेल करेगा, इसको पार्टिकल वन मानो, इसको पार्टिकल टू मानो, तो इधर आएगा टू पे वन का फोर्स, ये वाला इसको इधर को रिपेल करेगा, यानी वन पे टू का फोर्स। आप समझ पा रहे होंगे बात? इसका मतलब सर ये फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से एक दूसरे से दूर जाएंगे, मूव करेंगे, बट उसने बोला रेस्ट पे रहना चाहिए। देखो ये पार्टिकल भी इधर को जाएगा, ये पार्टिकल भी इधर को जाने की कोशिश करेगा, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है इस समय डी, ये उस कंडीशन में निकालनी है जब ये मूव ही ना करे, तो मूव क्यों ना करे, मतलब इनके ऊपर एक्ट करने वाले फोर्स के अपोजिट कोई फोर्स लग रहा होगा जो उसको रोक रहा होगा, जो उसको बैलेंस कर रहा होगा। यस सर, क्योंकि दोस्तों ये जो पार्टिकल्स है ना दोनों एक रफ सरफेस पे रखे हुए हैं, तो अगर इस पे फोर्स एक्सटर्नल इधर को लग रहा है तो फ्रिक्शन इधर को एक्ट करेगा, या इस पे फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन इधर को एक्ट करेगा, दोनों का मास चार्ज सेम है, क्योंकि यहां पे इनको मूव कराने वाला फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो म्यूचुअल फोर्स होता है, दोनों चार्ज पे डिपेंड करता है, तो जो फ्रिक्शन है उसको आप बैलेंस कर सकते हो बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बस हो गयो भाइयों, यही था आपका कंसेप्ट, हो गयो, ठीक है? तो यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको आप लिखोगे म्यू इंटू एन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के दोनों का यू नो चार्ज क्यू वन क्यू टू और उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड दैट इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू। सो म्यू म्यू ही रहेगा, एन क्या होता है सर? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालते हैं सर? देखो इस पे जो ग्राउंड नॉर्मल एक्शन एक्ट कराएगा ऊपर को, और इसका जो वेट होगा डाउन, तो जब भी कोई पार्टिकल हो, कोई ब्लॉक हो, कुछ भी हो, वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है, तो नॉर्मल एक्शन हमेशा वेट के इक्वल रहेगा, तो एम जी, तो यहाँ पे आएगा के, जो इसका प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है उसी के टर्म्स में निकाल सकते हो, क्यू इंटू क्यू अपॉन
आर मतलब दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो हमें तो डी निकालनी है, तो डी स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों के क्यू स्क्वायर अपॉन म्यू एम जी। तो आपको डी चाहिए तो रूट ले लो ना बस इसका, ठीक है। तो क्यू बाहर आएगा, अंडर रूट में जाएगा के ओवर म्यू एम जी, और ये रूट में रहेगा, यानी 1/2 लिख सकते हो। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ठीक है ना बॉस, दिस इज योर रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो पहले हम जो कंसेप्ट है उनको और अच्छे तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते हैं देख रहे हैं। तो धीरे धीरे आपके जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ वो ऑसम क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि उनसे सारे कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं जो भी हमने पढ़े हैं उनको अप्लाई करके, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट कैसे किया मैंने, यानी यहाँ पे जो फ्रिक्शन क्रिएट हुआ वो किसकी वजह से हुआ, देखो रफ सर्फेस था बट जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा फ्रिक्शन तो नहीं ले सकते ना हम, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहा है इनको मूव कराने के लिए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, बस उसको इक्वेट कर दो क्योंकि उसने बोला रेस्ट पे है, तो जब रेस्ट पे है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्स को बैलेंस करना होता है, दिस इज द लॉजिक, ठीक है। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, होप्स आप समझ गए होंगे, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर लेक्चर का, ठीक है। ओके सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप खुद भी कर सकते हैं, वैसे आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि 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 हमने इसको ग्रेविटेशन में भी देखा था और आपने कहीं ना कहीं पक्का सॉल्व किया होगा, बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है। आप देख सकते हो उसने बोला एक चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक चार्ज है हमारे पास क्यू, ठीक है, एक चार्ज है कि उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है सर, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, सच दैट दे एक्सपीरियंस मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन व्हेन प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, देन फाइंड द क्या डिवीजन, मतलब वो जो चार्ज है उसकी वैल्यू आपने बतानी है, ठीक है। लेट्स सी गाइस, एक चार्ज हमें इनिशियली क्यों दे रखा है मैं आपको समझा देता हूँ, पहले आप क्वेश्चन ध्यान से देख लेंगे। उसने बोला दो पार्ट में डिवाइड करो, मैंने बोला लेट्स सी पहला पार्ट है क्यू वन और दूसरा पार्ट है क्यू टू, और चूंकि क्यू से ही क्यू वन क्यू टू बनाया तो मैं लिख सकता हूँ क्यू वन प्लस क्यू टू जो आया वो क्यू से ही आया। अगर क्यू टू को मैं यहाँ से निकालू, मान लिया एक वन नॉन रखती है ना मैंने, दोनों ही अननोन हो गए, ठीक है, तो क्यू माइनस क्यू वन लिख सकते हैं, मतलब क्यू टू आप लिख सकते हो। अगर इसमें से मैंने Q1 निकाल दिया, सपोज करो हम लड्डू खा रहे हैं, थोड़ा सा आपको दे दिया मैंने, तो जो बचा, ठीक है, वही Q2 होगा ना जो बचा है, ठीक है, तो यहां पे जो बचेगा वो ओरिजिनल जो चार्ज था उसमें से जितना आपके ने हटा दिया ये बचा, तो मतलब ये आप देखो एक वेरिएबल हो जाएगा जब हम Q2 की वैल्यू पुट अप करेंगे। फिर बताओ क्या बोल रहा है, दोनों चार्ज को डिवाइड करने के बाद इसको ब्रेक करने के बाद एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख दिया है, मैंने बोला ठीक है यार रख देते हैं, तो लेट्स सी इनके बीच के डिस्टेंस डी है, Q1 भी पता है, Q2 मतलब ये अननोन है, Q2 हम Q1 के टर्म्स में हमने निकाल लिया है। तो उसने बोला इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, देखो ये भी प्लस दोनों पे एक दूसरे के रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे एक दूसरे से अवे, यानी जो फोर्स एक्ट कर रहा है ना इनके बीच में ये फोर्स, ये मैक्सिमम होगा, है ना, उस कंडीशन में बताओ Q1 कितना है, ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और Q2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या इनका रेशियो पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, अभी फिलहाल देख लेंगे कि अगर इनके बीच में एक्ट करने वाला फोर्स मैक्सिमम है। अगर एक मैं बेहतरीन चीज आपको बताऊं कि किसी भी चार्ज को अगर दो पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हो और उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स बनाना चाहते हो तो उस चार्ज को इक्वल डिवाइड करना पड़ेगा, आपको हाफ हाफ डिवाइड करना पड़ेगा, वो हम इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर मैक्सिमम, मतलब इनके बीच में फोर्स तो निकालेंगे बट इट शुड बी मैक्सिमम फोर्स, ओके, तो पहले फोर्स तो निकाल लो। तो भाई दो चार्ज के बीच में फोर्स क्या होता था, क्यू वन Q2 अपॉन R, R मतलब D का स्क्वायर, ठीक है जी, ठीक है सर, तो ये फोर्स हम लिखेंगे Q1 as it is रहेगा लेकिन Q2 है Q माइनस Q1। सर आपने ऐसा क्यों किया, Q2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये भी वेरिएबल, दो वेरिएबल हो जाएंगे तो पंगा हो जाएगा ना, तो हमने क्या किया Q2 को Q1 के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया जिससे हम ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो फिर Q1 के रिस्पेक्ट में ही वेरी करेगा क्योंकि ये तो ओरिजिनल Q है जो रहने वाला है एज इट इज, ये भी कॉन्स्टेंट है तो एक ही वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में, और जो उनके बीच में डिस्टेंस है वो भी कॉन्स्टेंट ही कर दिया हमने, ठीक है जी। तो देखो अब इसको ऐसे लिख लो k डिवाइड बाय d स्क्वायर और ये q1 अंदर मल्टीप्लाई करो, q q1 हो जाएगा माइनस q1 स्क्वायर हो जाएगा, हो गया सर, बिल्कुल सर। अब उसने बोला कि ये फोर्स की वैल्यू आ गई ये वाली, बट उसने बोला फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, तो किसी भी फंक्शन को अगर आपने मैक्सिमम करना है तो मैथ्स में मैंने आपको सिखाया था फोर मैक्सिमा और मिनिमा, अगर किसी फंक्शन को मैक्सिमम करना है तो उसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, वो फंक्शन जिस वेरिएबल के टर्म्स में होगा उसी के रिस्पेक्ट में, यानी Q1 वेरिएबल है। देखो ना यार, आपने अगर Q से Q1 बनाया तो Q1 हमें क्या पता क्या है, कुछ भी हो सकता है, भाई हमें क्या पता क्या है, ठीक है, तो वेरिएबल है तो हम फोर्स को Q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड पुट इक्वल टू जीरो, ये करने से यहां से जो Q1 की वैल्यू आएगी, ठीक है, वही आंसर होगा एंड फॉर दैट वैल्यू जो भी आएगी अगर मैं उसको वापस यहां पुट कर दूंगा तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। ये तरीका होता है मैक्सिमम बनाने का, तो जिस भी फंक्शन को मैक्सिमम करना है उसी को डिफरेंशिएट करना है, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इक्वल टू जीरो करना है, वहां से उस क्यू वन किया एक्स होता है ना, अगर एक्स की वैल्यू आ जाती है मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो आ जाओ अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो ये एफ की वैल्यू है ना, इसको तो मैं लिखूंगा डी एफ अपॉन डी क्यू वन,
ठीक है जी। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये के डी स्क्वायर तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, पहले इसको देखो तो ये क्यू तो कांस्टेंट है इनटू उसके साथ ये है, ठीक है। ये जस्ट लाइक ऐसे है कि 2x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 2 बार रहेगा, तो क्यू बार रहेगा और क्यू वन की पावर 1 है, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस क्यू वन का स्क्वायर है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा समथिंग लाइक दैट एक्स स्क्वायर, तो 2x लिख दे देना तो ये कितना हो जाएगा 2q1, बस हो गया काम खत्म। अब मैक्सिमम करने के लिए इसको जीरो करो, इसको जीरो करो तो जीरो इज इक्वल टू के बाय डी स्क्वायर, या आ गया q माइनस 2q1, दिख रहा है आपको ये पूरा जीरो में जाएगा क्योंकि इक्वल टू जीरो है, तो q माइनस 2q1 आपका इक्वल टू जीरो आ गया, तो q1 दिख रहा है आपको q का हाफ, यानी जब आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे q1 इसका हाफ होगा तो q2 भी तो हाफ ही होगा। तो ये दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पार्ट, जब आपने उस पर्टिकुलर चार्ज को दो इक्वल यू नो नॉट इक्वल अभी बोलेंगे इक्वल, तो दो पार्ट में आपने ब्रेक किया है, डिवाइड किया है, तो अगर आप इस चार्ज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इनके बीच में एक्ट करने वाला रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम होगा, एंड दिस इज द तरीका, वाओ दिस इज द तरीका, दिस इज द मेथड हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इजिली, है ना। आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं मस्त तरीके का, ठीक है। सो दिस वॉज द सेकंड क्वेश्चन गाइज, जैसे कि मैंने आपको बोला हर क्वेश्चन से आपको एक बेहतरीन चीज सीखने को मिलेगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट, मस्त मस्त तरीके के सारे कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ओके सर फिर तो मजा आने वाला है सर, मैंने कहा हाँ मजा आने वाला, बेहतरीन मजा आने वाला। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, कम ऑन। ओके सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मजा आने वाला। देखो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे पहले, आराम से हर तरीके की टेक्निक आपको पता चलेगी इन सारे क्वेश्चन के थ्रू जो भी मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। आपके सारे फंडे क्लियर करके रहूंगा बॉस। उसने बोला पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q1 इज placed at a comma zero, a q1 चार्ज है जिसको किसी पॉइंट पे प्लेस किया है a comma zero, a comma zero मतलब दो ही कोऑर्डिनेट है, मतलब पहला x का होता है दूसरा y का होता है, मतलब उस चार्ज को आपने x एक्सिस पे रखा क्योंकि y का कोऑर्डिनेट तो जीरो है ना। ओके सर ये रीड करना आना चाहिए, देखो आपको तो मजा आ जाएगा फिर, ठीक है। अनदर पॉजिटिव चार्ज दैट इज q2 इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट 0, a, जो q2 है उसको 0, a पे रखा है, मतलब x का कोऑर्डिनेट यहां पे अगर इसको x1 y1 मानेंगे, X2, Y2 मान लो, तो ये जीरो है तो ये Y एक्सिस पे रखा है, ये वाला ये X पे रखा है तो ये Y, और चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव X पॉजिटिव Y, सही है सर, मतलब मजा आ रहा है सर। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन Q1, तो वो पूछ रहा है बताओ Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है, फाइंड ओके फोर्स एक्टिंग कहां पे सर, ऑन Q1, तो यार Q1 पे फोर्स कौन एक्ट करा रहा होगा, Q2 दो ही चार्ज है तो दोनों का म्यूचुअल फोर्स ही निकालना है, आफ्टर ऑल कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये अकॉर्डिंग टू दियर गिवन यू नो पॉइंट्स द लोकेशन हमने इसको बनाना है। चलो भाई बनाते हैं, सबसे पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए जब लोकेशन गिवन हो तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट आप बना लिया करो, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे उसको रिप्रेजेंट करो पहले, तो जब ये एक्स एक्सिस है तो ये ऑरिजिन है 0, 0, ठीक है सर, तो सारी डिस्टेंस यहीं से लेंगे चाहे एक्स पे जाए चाहे वाई पे जाए, ठीक है। अब Q1 की लोकेशन देखो a, 0, यानी जो पहला है यानी x एक्सिस पे वो a डिस्टेंस अभी होगा पॉजिटिव, यानी 0 से a कहीं यहां होगा, तो ये लोकेशन है चूंकि यहां पे रखा है Q1, अब ध्यान से समझना, दिस इज योर Q1, दिस इज योर Q1, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट 0 है, तो अगर Q1 x पे रखा है तो y पे नहीं है तो उसका कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा ना, यस। और Q2 की जो लोकेशन है 0, a है, तो 0 तो ये रहा और a डिस्टेंस अवे ये रहा यहां पे सर, तो यहां पे रखा है आपका Q2, यहां पे मान लो यस दिस इज Q2, और इसकी लोकेशन क्या है, y एक्सिस पे a डिस्टेंस अवे और ये x एक्सिस पे a डिस्टेंस अवे, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये a है और ये डिस्टेंस a है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या दे दिया आपके 0, a, ठीक है, ये चार्ज रखा हुआ है यहां पे, ठीक है। अब उसने पता क्या बोला है बताओ Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है यार, दो ही तो चार्ज है, कम ऑन यार दो ही तो है, मतलब ये बंदा भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये पहले इनको ज्वाइन करना है और ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा इससे अवे, दैट इज द फोर्स अप्लाइड बाई दिस ऑन दिस, और वही सेम फोर्स ये अप्लाई करेगा इस पे इससे अवे, तो दोनों के बीच में एक ही तो फोर्स रहेगा म्यूचुअल, चाहे तो वो पूछता Q2 पे बताओ या Q1 दो ही है तो दोनों का तो फोर्स म्यूचुअल है, किसी एक पे निकाल लो आंसर आ जाएगा, तो जैसे कि उसने बोला वैसे ही कर लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है। तो देखो भाई अब क्या करेंगे सर, अब इन दोनों चार्ज को जब भी आपको बताया था Whenever you have to calculate the force acting between two charge, first of all we have to join the two charge. उसी लाइन पे फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, और वो जो ज्वाइन करते हो आप वो डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो आपको चार्ज के बीच की डिस्टेंस मिल गई कुछ डी या आर जो भी मानना है, ये मिल गई यहां से यहां तक, और ये अननोन है निकालनी पड़ेगी, लेकिन ये एंगल है 90, ये है ए, ये भी ए, तो ये बन गया देखो राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस लगा के डी नहीं निकाल सकते, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो डी आएगा √2a, दिख रहा है आपको, है ना, स्मार्ट हो आप, ठीक है। तो इसने इस पे कितना फोर्स अप्लाई किया निकाल लो ना सर,
लेकिन अब पंगा क्या हो गया, इसने इसमें कितना फोर्स अप्लाई किया उसको आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी जो वैल्यू है उसको किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप दोस्तों ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा एफ इजक्वल टू, ये आएगा एफ इजक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन डी स्क्वायर सर, और एफ आ जाएगा के क्यू वन कितना है सर, क्यू वन ही है, क्यू टू भी क्यू टू है, डी कितना है सर रूट टू ए का होल स्क्वायर, तो एफ कितना आएगा सर के क्यू वन क्यू टू अपॉन रूट टू ए यानी टू ए का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर गाइज, दिस इज योर आंसर, आप चेक कर सकते हो गाइज, दिस इज योर आंसर आप चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, और इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब एक नजरिया तो ये हो गया, दूसरा नजरिया देखें, देखो अगर मैं ध्यान से देखूं इस फोर्स को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर में लिखना है जी सर, वेक्टर में वैल्यू बताओ उसकी, अगर ऑप्शन वेक्टर में हुआ है, क्योंकि ये जो फोर्स है एक्सेस के साथ किसी एंगल पे है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये एंगल आपको पता है सर कैसे पता है, देखो ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस, तो यहां से आप टेन थीटा निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर पे ए और बेस पे भी ए, तो ये वन आ गया, थीटा टेन थीटा जब वन होता है तो थीटा 45 होता है ना ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, देखो एक कंपोनेंट इधर आएगा क्योंकि थीटा इसके साथ बनाना 45, तो इधर आएगा एफ कोस 45 और एक कंपोनेंट गाइस इधर आएगा, देखो एफ साइन ऑफ 45। नाउ यू कैन सी इट, नाउ एफ की वैल्यू तो आ गई है, ठीक है। अब इसको आप एक्स एक्सिस पे कितना कंपोनेंट है, वाई पे नेट फोर्स निकालना है वेक्टर फॉर्म में, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, ठीक है। तो देखो आपने इस पे एक कंपोनेंट निकाल लिया, इस पे एक कंपोनेंट, तो इसका नेट वैल्यू क्या आएगा इन वेक्टर, तो मैं लिखूंगा एफ एक्स एक्सिस पे फोर्स, ठीक है, प्लस वाई एक्सिस पे फोर्स, तो चलो नेट फोर्स निकालते हैं। एक्स एक्सिस पे कितना है, एफ कॉस 45 अलोंग एक्स एक्सिस, और माइनस, क्योंकि ये वाला जो फोर्स का कंपोनेंट है ये नीचे की डायरेक्शन में और नीचे माइनस जे कैप होता है कि नहीं, तो हम लिखेंगे एफ साइन 45 इंटू जे कैप, ठीक है, जे कैप को मैंने माइनस ले लिया, ठीक है जी। ओके सर, एफ को बाहर ले लो, ठीक है, कॉस 45 भी बाहर ले लो, आप देख लो तो कॉस 45 भी, नो क्या बात कर रहा हूं मैं, हाँ मतलब वैल्यू सेम है बट वैल्यू पुट करनी पड़ेगी है ना, तो मैं भी ढक्कन ही नहीं हो गया वो बॉस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करना होगा, एफ बाहर ले लिया, ये आ गया रूट टू आई कैप माइनस ये आ जाएगा 1/√2 जे कैप, तो देख लो आप वैल्यू तो सेम होती है ना साइन 45 एंड कॉस 45 की। अब ये जो एफ की वैल्यू है उसको आप पटक सकते हो और अपना आंसर कर सकते हो, रूट टू को बाहर लेके आंसर आपका आ जाएगा, कोई पंगे वाली बात नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है जी। तो एफ की वैल्यू कितनी आई सर, ये रही के क्यू वन क्यू टू अपॉन टू ए स्क्वायर, ठीक है सर, और यहां से नीचे रूट टू बाहर ले लो, अंदर बचा सर आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है सर, ये आ गया। मतलब सर आप कह रहे हो कि के क्यू वन क्यू टू अपॉन टू रूट टू ए स्क्वायर और आई कैप माइनस जे कैप, यस यही कह रहा हूं मैं, दैट इज योर फोर्स गाइस, दैट इज योर फोर्स, दैट इज योर रिक्वायर्ड फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। नाउ यू कैन सी रिक्वायर्ड फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, मतलब मैग्नीट्यूड तो यही रहने वाला है बट वेक्टर में आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना बॉस, मैग्नीट्यूड तो यही रहने वाला है बट वेक्टर में आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच द क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। तो होप सो आपको मजा आया होगा और आपने देखा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमने अप्रोच किया, सॉल्व किया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो हियर वी गो, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑसम क्वेश्चन, कंसेप्ट मैंने आपको बेहतरीन तरीके से सिखा रखा, आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाए या यू नो डायरेक्ट फंडे के अकॉर्डिंग जाए तो भी इस क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हो, देख लो आपको पढ़ते फील आएगा। क्या है सर, ए चार्ज क्यू वन दैट इज 1 कूलम एंड द चार्ज क्यू टू दैट इज माइनस 4 कूलम आर फिक्स्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, तो 1 कूलम का है और माइनस 4 कूलम का है, तो यहाँ पे है 1 कूलम का चार्ज एंड इसको माना है हमने क्यू वन, और यहाँ पे रखा है दोस्तों माइनस 4 कूलम का चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड दैट इज नाम रख दिया उसका क्यू टू। ओके सर, और उनके बीच की जो सेपरेशन है दैट इज 1 मीटर। ओके 1 मीटर, यहां से यहां तक की बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है सर। वेयर शुड द प्लेस द थर्ड चार्ज क्यू सच दैट द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब एक थर्ड, ये दो चार्ज हो गए, वेयर शुड वी प्लेस अ थर्ड चार्ज, किस कंडीशन में सर, कि दिस होल सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। देखो याद करो, जब भी मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम की बात करेगा, जब भी पूरे सिस्टम की चार्ज वाला सिस्टम और इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, मतलब उस पे एक्ट, ईच चार्ज पे एक्ट करने वाला नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। फिर मैंने आपको डायरेक्ट तरीका भी बताया था, जो दोनों चार्ज है उनका नेचर चेक कर लो, ये क्यू वन है ये क्यू टू है तो है सर, पर ये प्लस में है ये माइनस में, और जो प्लस माइनस होते हैं तो जो इक्विलिब्रियम होगा थर्ड चार्ज का उसकी लोकेशन कहां पे प्लेस करेंगे पहले से ही नोन है हमें, इसके बीच में तो नहीं करेंगे,
ठीक है, इसके बीच में तो नहीं करेंगे तो क्लियर है, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज है, याद करो कंडीशन में अभी अभी बताई थी मैंने, अपोजिट चार्ज है तो उधर करेंगे जिधर कम चार्ज है, ये वाला, तो यहां पे रख देते हैं उस चार्ज q को, दिस इज योर थर्ड चार्ज, इधर रख देते हैं और इससे मान लेते हैं डिस्टेंस x, ठीक है जी, और यहीं से इसकी लोकेशन निकालते हैं, मतलब वी विल पुट दैट थर्ड चार्ज आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज, यानी लेफ्ट ऑफ द स्मॉलर चार्ज, नॉट दिस वन, क्योंकि इसका फिर तो ज्यादा होगा तो उसका कम करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा और इसका बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके पास रखना पड़ेगा ना बॉस, तो इससे इसके डिस्टेंस x है, तो इससे कितनी होगी जब ये फील्ड फोर्स लगाएगा इस पे, तो इनके बीच की है 1, तो 1 प्लस x हो जाएगी सर, तो यही था ना टेक्निक, देखो ये प्लस वाला इसको रिपेल करेगा और वो माइनस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, तो उसका जो फोर्स आएगा इधर, इसका फोर्स इधर, तो एक दूसरे के अपोजिट है, इक्वल कर दो, अगर नेट फोर्स इस पे जीरो है, इस पे हमने इक्विलिब्रियम में रखना है तो इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और ये अपोजिट भी है, तो भाई जीरो कब पॉसिबिलिटी हो सकती है, जब हम उनको इक्वल करेंगे, है ना, इक्वल करने पड़ेंगे ना, अगर देखो ना एफ वन माइनस एफ टू को अगर मैं इक्वल करूंगा नेट फोर्स निकालने के लिए, एफ वन माइनस एफ टू ये तो नेट है, इक्वल करूंगा तभी तो जीरो होगा, दिस वन जीरो, तो बस इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है सर, इसकी वजह से निकालो, देख के चार्ज कितना है सर वन, इसका कितना है सर क्यू, ठीक है सर, बढ़िया, बीच के डिस्टेंस सर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एफ वन मस्ट बी इक्वल टू एफ टू, मतलब इसके ऊपर एक्ट करने वाला फोर्स इसकी वजह से और इसकी वजह से सेम करना है, तो जो ये वाला फोर्स अप्लाई करेगा, तो इसका चार्ज हमने फॉर्मूला यूज कर लिया के क्यू वन क्यू टू, तो इसका है वन, इसका है क्यू, और बाई इसके डिस्टेंस है यहाँ से एक्स, अब इसकी वजह से फोर्स अप्लाई करो, ठीक है, ये क्या लिखा, इसकी वजह से फोर्स अप्लाई करो इसके ऊपर, ठीक है, क्या करेंगे सर के, इसका चार्ज है फोर, इसका चार्ज है क्यू, और डिस्टेंस कितनी है यहां से लेके यहां तक, दिस इज वन प्लस एक्स, तो वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल हो रहा है, क्यू कैंसिल हो रहा है, तो यहां बचेगा वन बाई एक्स स्क्वायर, यहां फोर वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नाउ यू कैन सी गाइज, देख सकते हो आप, ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, या फिर यार क्या करो पता है, रूट ले लो दोनों साइड का, ठीक है, तो उसको होल स्क्वायर कर दो, इसको लिख सकते हो टू वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर है दोनों साइड में तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो इनको मैं इक्वल कर सकता हूँ, वन बाई एक्स मस्ट बी इक्वल टू टू बाई वन प्लस एक्स, ओके सर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वन प्लस एक्स इक्वल टू टू एक्स, एक्स इधर लेके जाएंगे, टू एक्स माइनस एक्स दैट इज एक्स इक्वल टू वन मीटर, मतलब आपको वो थर्ड चार्ज वन कुलम के लेफ्ट में वन मीटर के डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, तब जाके वो इक्विलिब्रियम में होगा, एंड दैट इज द लोकेशन ऑफ दैट, मतलब वी कैन से लोकेशन, हम यहां पे कह सकते हैं लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज इज लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट ऑफ वन कुलम चार्ज या स्मॉलर चार्ज, ठीक है, है ना, ठीक है, आप देख सकते हो इसके लेफ्ट में जाएगा, ठीक है, इतनी डिस्टेंस पे है, ठीक है, लेफ्ट में मतलब एट व्हाट डिस्टेंस, वन मीटर फ्रॉम वन कुलम चार्ज, ठीक है, और अगर आप बोलोगे यार सर फोर कुलम से कितनी दूर है, तो वन है, अगेन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वन है, तो वन प्लस वन दैट इज टू मीटर, एंड टू मीटर अवे फ्रॉम फोर कुलम चार्ज, यानी जो माइनस का है उससे टू मीटर अवे होगा, क्लियर हुआ पॉइंट, उससे टू मीटर अवे होगा, ठीक है बॉस, उससे टू मीटर अवे होना चाहिए, नो प्रॉब्लम गाइस, ठीक है, ओके सर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ये तो था इसका एक्चुअल कंसेप्ट, कि कंसेप्ट क्या है, फंडे पे चले, बताया था मैंने आपको, देखो फंडा क्या है सर, फंडा वाह वाह वाह, देख आ जा, ठीक है इधर आ जाओ, फंडा क्या है सर, मैंने आपको बताया था इन दो, जो भी दो चार्ज गिविन होंगे और थर्ड चार्ज का वो प्लेसमेंट की बात करेगा, ठीक है सर, तो दोनों चार्ज को पहले देखना है कि वो प्लस प्लस है या माइनस माइनस, आपने देखा सर ये जो Q1 चार्ज है ये प्लस वन कुलम है और जो Q2 चार्ज है वो माइनस फोर कुलम है, और आप बहुत क्लियरली देख सकते हो जो Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है और Q1 चार्ज का कम है, तो मैंने आपको बोला था जो स्मॉलर चार्ज होगा उसके पास रखना है, बिल्कुल रखा सर, तो स्मॉलर चार्ज से जो डिस्टेंस होगी इस कंडीशन में जब ये अपोजिट होंगे, अपोजिट में डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज दैट मस्ट बी इक्वल टू, आपने ले लिया अंडर रूट में चार्ज ऑफ स्मॉलर वन इन टू उनके बीच की डिस्टेंस ओवर चार्ज ऑफ जो बिगर वाला होगा, याद करो अभी बताया था मैंने, एंड द चार्ज ऑफ स्मॉलर, पुट कर दो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में, ये पूरी कैलकुलेशन करने से बच जाओगे, तो क्या करना है सर, अंडर रूट में स्मॉलर का चार्ज वन है, डिस्टेंस कितनी है वन है दोनों के बीच में, बिगर चार्ज कितना है फोर, माइनस फोर मत रखना मैग्नीट्यूड, ठीक है, माइनस वन, तो ये आ गया वन बाय, यहां बचेगा 2
टू माइनस वन दैट इज वन मीटर, आ गया कि नहीं डायरेक्ट, यानी स्मॉलर चार्ज से जो डिस्टेंस होनी चाहिए दैट मस्ट बी वन मीटर, उसकी जो लोकेशन होनी चाहिए डायरेक्ट ही आ गया। तो इस तरीके से कर सकते हो, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो तालियां बजा दो तालियां बजा दो, ठीक है। तो इस तरीके के बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आप इजिली क्रैक कर सकते हो, आगे बढ़े बॉस। यस ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। ओके सर, देख लेते हैं, उसने बोला कि फोर चार्ज है, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, देन स्मॉल क्यू, आर कैप्ट एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर एज शोन इन द फिगर, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। ओके सो गाइज, यहाँ पे रखा है कैपिटल वाला क्यू, यहाँ रखा है स्मॉल क्यू, फिर यहाँ रखा है कैपिटल क्यू, फिर यहाँ रखा है स्मॉल क्यू, तो हमारा क्या जा रहा है, स्क्वायर है, डिस्टेंस ए ले लो, साइड ए ले लो, ए ले लो, उसने जो भी दिया होगा ले सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। उसने बोला व्हाट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द कैपिटल क्यू चार्ज एंड द स्मॉल क्यू चार्ज इन दिस कंडीशन व्हेन द नेट फोर्स ऑन अ स्मॉल क्यू चार्ज इज जीरो। मतलब यहाँ पे सर दो स्मॉल चार्ज है, एक ये वाला और एक ये वाला, चाहे इसको पकड़ लो चाहे इसको पकड़ लो, इन दोनों में से किसी एक को पकड़ो और उस पर नेट फोर्स जीरो करना है, तो व्हाट शुड बी द करेक्ट रिलेशन बिटवीन दिस वन एंड दिस दिस वन, मतलब वो रिलेशन आपसे पूछेगा, ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, आप फोड़ के आएंगे। तो तरीका क्या बोला उसने, कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पहले उसने बता दिया कि नेट फोर्स किसी एक स्मॉल क्यू चार्ज पे मस्ट बी इक्वल टू, ठीक है, ये कंडीशन है और इस कंडीशन को अप्लाई मैं करूंगा और उसमें हमें कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में एक रिलेशन बताना है कौन सा करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। तो उसने पहले बता दिया ऐसे करो, तो कर लेते हैं ना यार, किसी को पकड़ो, मान लिया मैंने इसको पकड़ लिया, ठीक है, अब चूंकि इसको पकड़ने का मतलब इस पर नेट फोर्स एक्ट निकालना है, मतलब इसकी पिटाई होनी है, सीधी सी बात है, तो कितने बंदे मिलकर पिटेंगे इसको, वन टू थ्री, तीन बंदे मिलकर पिटेंगे, कैसे पिटेंगे, खींच के मारेंगे या दूर से मारेंगे, डिपेंड करेगा सर प्लस माइनस कैसे है। देखो ये इसको वन मान लो सर, इसको टू मान लेते हैं सर, इसको चार्ज थ्री मान लेते हैं सर, ये प्लस है तो सर ये भी प्लस है, तो इन दोनों को ज्वाइन किया और ज्वाइनिंग लाइन पे ये इसको अब एक फोर्स अप्लाई करेगा, अबे इससे अबे दूर को मारेगा, तो इसका इधर को आ गया कि नहीं। अब इस वाले का देखो, इन दोनों को ज्वाइन किया सर, मैंने बोला हाँ किया तो किया, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा तो इसका फोर्स इधर जाएगा, दैट इज एफ टू। अब बचा ये वाला, ये देखते हैं कैसे मारेगा। आपने देखा ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, तो ये भी इधर को फोर्स अप्लाई करेगा एफ थ्री, क्योंकि ये भी अवे करेगा, क्योंकि रिपल्सन होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है। मस्त मजा आ रहा है कि नहीं। तो इसके ऊपर अब जो ये स्मॉल चार्ज है, मान लिया किसी कॉर्नर ए पे रखा हुआ है, और इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको कराया था फर्स्ट लेक्चर में, बस अब हमने नेट फोर्स निकालेंगे जो वहां पे निकाला भी था, और इसको जीरो करना है, अपने आप रिलेशन आ जाएगा। तो ए पॉइंट पे नेट फोर्स निकालो, ए पॉइंट पे, ठीक है, ए पॉइंट पे नेट फोर्स निकालो और इसको जीरो करो। तो पहले नेट फोर्स निकालते तो है, ठीक है सर, जो से उसने बोला वैसे ही करते हैं। देखो F1 कितना होगा इसके और इसके बीच में, तो K Q Q अपॉन ए स्क्वायर। F2 कितना होगा इसके और इसके बीच में, ये भी सेम होगा सर, K Q Q अपॉन ए स्क्वायर, ये वाला और ये वाला तो सेम हो गया सर। F3 कितना होगा ये भी पता चल जाएगा, देखो ये डिस्टेंस ही है इन दोनों के बीच, ये A A, ये आएगी रूट टू A, तो ये होगा सर K Q छोटे वाला, और ये भी Q ही है छोटे वाला, तो Q स्क्वायर लिख दो और रूट टू A का होल स्क्वायर लिख दो, बस सब कुछ आ गया कि नहीं। तो बहुत क्लियरली अगर आप देख पा रहे होंगे, ए पॉइंट पे एक फोर्स इधर आ रहा है के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ओके सर, एक इधर आ रहा है के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ओके सर, एक इधर आ रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर, ठीक है। और आपको ये स्क्वायर है तो ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45, नाउ यू कैन सी, ठीक है। अब यार अगर आपको याद हो ना, देखो इन दोनों को, इन दोनों के बीच में 90 का एंगल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसी लाइन पे जाएगा, जाएगा कि नहीं, ये मैंने कराया है आपको। तो अगर इसको मैं एफ फोर्स मान रहा हूं तो ये भी एफ होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही तो है, यस सर, ठीक है। अब अगर इसी पॉइंट ए पर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट पहले निकाल दूं, क्योंकि इधर एक फोर्स पहले से ही है, के स्मॉल क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर, पहले से ही है कि नहीं। इन दोनों का रिजल्टेंट जब दोनों दो फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो कितना होगा, इधर कैसे निकालते थे, रिजल्टेंट निकालते थे अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, तो ऊपर वाला भी एफ है नीचे वाला भी एफ है, तो इसको लिखेंगे रूट टू एफ, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है ना, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ आएगा अंडर रूट टू एफ, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इस लाइन के ऊपर वो इस एफ के रूट टू टाइम्स होगा। तो ए पॉइंट पे दो फोर्स आ रहे हैं, तो ए पॉइंट पे नेट फोर्स कितना आएगा, ये एक ही लाइन पे है प्लस उसी लाइन पे ये है, जब दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो ऐड किया जा सकता है डायरेक्ट, तो k q स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर, ठीक है सर। f की वैल्यू पुट कर दो, f की वैल्यू कितनी है सर, k कैपिटल q स्मॉल q, ये वाली a स्क्वायर प्लस k q स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम ना छे।
ओके अब आपने क्या करना है, कंडीशन इज दैट कि इसको जीरो करना है, नेट फोर्स जीरो करना है। तो देखो यहां से जो कॉमन आ रहा है ना, ले लो के आ रहा है सर, स्मॉल क्यू आ रहा है सर, नीचे से ए स्क्वायर आ रहा है, अंदर क्या बचा सर, रूट टू कैपिटल क्यू। देखो यहाँ क्यू बाहर आ गया, कैपिटल क्यू बचा और के भी बाहर आ गया, यहाँ पे एक क्यू बचेगा और नीचे टू बचेगा, ठीक है सर, और ये पूरा जीरो में जाएगा क्योंकि इधर जीरो है ना ये वाली साइड, तो ये बचा, तो ये बचेगा कितना, रूट टू क्यू एंड प्लस क्यू बाई टू मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो रूट टू क्यू यही रखेंगे, माइनस क्यू बाई टू इधर लेके जाएंगे, अच्छा अच्छा अच्छा, और इसको लेके जाएंगे माइनस क्यू टू रूट टू नीचे आएगा, बस हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके तब भी कर सकते हो, माइनस नो ऐसे ही ठीक है, कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, नाउ यू कैन चेक इट आउट मैन। एंड आपको ये भी पता चल गया कि ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है या ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है वो एक दूसरे के अपोजिट है, देखो नेगेटिव साइन आ रहा है, तभी पॉसिबल होगा कि इस पे नेट फोर्स हो जाना चाहिए जीरो, ठीक है, तभी पॉसिबल हो सकता है। तो आपने रिलेशन भी देख लिया, साइन भी देख लिया, यहीं से पता चल गया, एंड दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच, जो सीखा था फर्स्ट लेक्चर में वही अप्लाई कर रहे हैं। और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, क्या यकीन नहीं होगा सर, आज के लास्ट के क्वेश्चन के पास, लास्ट के दो क्वेश्चन में नोट दो, एक सबसे बेहतरीन और लास्ट का क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कैटेगरी का क्वेश्चन माना जाता है, उसको मैं अब डिस्कस करने वाला हूं। ओके, ध्यान से, मन से, मस्त तरीके से आएगा तो डिक्टो आएगा गारंटेड। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द ऑसम ऑसम एंड ऑसम प्रॉब्लम, ठीक है, बेहतरीन तरीके से, पहले कंसेप्ट बताऊंगा, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, फिर डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे आपने याद रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो एज इट इज पूछा जा सकता है, इसलिए खास क्वेश्चन माना जाता है। तो ये जो कैटेगरी हम यहाँ पे डिस्कस करने हैं इस क्वेश्चन की, इनको बोलते हैं सस्पेंडेड चार्ज, सस्पेंडेड चार्ज के जो कॉन्सेप्ट है, नो प्रॉब्लम यार, कर लेंगे, रिजॉल्व वगैरह तो करने होते हैं फोर्स, है ना, टेंशन नहीं लेने का। उसने बोला टू आइडेंटिकली चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, स्फीयर वन स्फीयर टू, वन स्फीयर टू स्फीयर, ठीक है, और ये इक्वल लेंथ वाले स्ट्रिंग से इनको सस्पेंडेड किया गया है, दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, दोनों पे सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे, एक दूसरे से अवे हो गए तो 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है जी सर, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर, बट द कहानी में ट्विस्ट इज दैट व्हेन दी सस्पेंडेड चार्जेस, ओके, सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, कुछ डेंसिटी दे रखी है, देन द एंगल रिमेन द सेम, एंगल सेम रहा, ओके, देन व्हाट इज द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द लिक्विड, व्हाट इज द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर द लिक्विड, अभी ये एयर में है, समझो वो क्या बोल रहा है कि मैंने यहां पे इनको फ्रीली सस्पेंड किया, ठीक है, ऐसे कर दिया होगा, ठीक है जी, और अभी ये एयर में सस्पेंशन है, लेकिन वो बोलता है जब मैं इन दोनों को डिप कर दूं किसी ऐसे लिक्विड में जिसकी डेंसिटी हो, मान लिया लिक्विड यहां मैंने भर दिया है, ठीक है जी, ये लिक्विड मैंने फिल कर दिया है, समझना भाई, बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है। तो ये चार्ज एज इट इज है, एंगल एज इट इज रहेगा, बस इसकी जो लिक्विड का जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो के मान लिया उसने, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है सर, और लिक्विड की कुछ डेंसिटी भी तो होगी, और ये जो बॉल है, ये जो स्फीयर है, इसकी भी तो कुछ डेंसिटी होगी, उसको मैं एस से, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड के नाम से लिख रहा हूँ, ठीक है, कूल सर, अब होगा क्या, ध्यान से देखना, दोनों पे होगा, कंसेप्ट पहले अप्रोच बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा, जब भी कभी इस तरीके की सिचुएशन आए कि दो चार्ज को पहले एयर में लटका के रखा, उसके बाद किसी लिक्विड में डिप कर दिया, तो बताओ लिक्विड का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना होगा, ये पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, डायरेक्ट यूज करना है, कंसेप्ट पहले बता देता हूँ। तो आपने कुछ नहीं करना, देखो ये जो चार्ज है इसकी वजह से इस पे एक फोर्स इधर लग रहा होगा और इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर लग रहा होगा, क्योंकि म्यूचुअली रिपेल कर रहे होंगे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये, किसी एक का स्टडी करेंगे, ठीक है जी, ओके सर, ओके, टेंशन नहीं है। और इसका जो वेट होगा, चूंकि एक स्फेरिकल बॉडी है, मतलब जिस पे चार्ज है, तो वेट होगा उसका डाउन, ठीक है सर, और इसमें जो टेंशन होगा वो होगा इधर, लेट्स सी टी, है ना, और ये एंगल बना रहा होगा ऐसे, तो इसका हाफ एंगल इस तरीके से बना रहा होगा, क्योंकि ये 30 है तो इसका हाफ नहीं हो जाएगा, देखो ये एंगल, ये इतना 15, तो ये भी 15 डिग्री होगा, तो ये जो टेंशन यहाँ पे आई है इस एक्सिस के साथ एंगल बना रहे, तो इधर आएगा टी कॉस 15 और इधर आ जाएगा टी साइन ऑफ 15। नाउ यू कैन सी ये टेंशन का कंपोनेंट इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, यानी एफ वी कैन राइट टी साइन 45, लिख सकते हैं ना, ओके सर, लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे, और ये वाला कंपोनेंट इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं वेट इज इक्वल टू टी कॉस 45, अगर दोनों को डिवाइड कर दो महाराज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन mg इज इक्वल टू दैट इज द वेट ऑफ दैट स्फीयर, टी से टी कैंसिल, साइन 45, नॉट 45, ये क्या लिख रहा हूं मैं, 15 है ये,
आप डरना मत 15 से, टेंशन नहीं लेने का। सो ये आ गया 15 डिग्री, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तरीका बता रहा हूँ क्या करना है, एक इक्वेशन बन गई, लेकिन हमें तो डायरेक्टली कॉन्स्टेंट चाहिए, तो हमें तो उस सेकंड मीडियम तक जाना पड़ेगा, ठीक है, अभी तो एयर फैन के बीच में। अब क्या होगा सर, फिर से सेम करते हैं भाई, लिक्विड में डिप किया तो क्या हुआ, क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ। देखो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को फिर से रिपेल कर रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू, ठीक है सर, फिर से इसमें बिल्कुल वैसे ही टेंशन आएगा, बिल्कुल सर, ठीक है, ये आ गया टी, और फिर से ये वर्टिकल एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एंगल फिर से 15 होगा, फिर से टी का इधर कंपोनेंट आएगा, टी कॉस 40 भाई बहुत याद आ रहा है 15, ठीक है, और इधर जो कंपोनेंट आएगा टी साइन ऑफ 15, ठीक है सर, लेकिन सर इसका जो वेट है वो भी तो आएगा डाउन, बिल्कुल आएगा। तो सर बस ये फिर फर्क ही क्या पड़ा, याद करो जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डिप करते हो तो लिक्विड की वजह से उस पर अप थ्रस्ट लगता है, अप डायरेक्शन में अप, तभी तो अप थ्रस्ट बोला, ऊपर को लिक्विड एक फोर्स अप्लाई करेगा, ये चेंज आएगा चांदी मेरे, यानी इसमें एक एडिशनल फोर्स यहां पर एक्ट करेगा अप डायरेक्शन में, जिसको बोलेंगे अप थ्रस्ट। अब इसको आप बैलेंस करो, देखो जब आप इसको बैलेंस करोगे तो ये बैलेंस हो जाएगा अगेन टी साइन 15 से, ठीक है, लेकिन अब जो वेट बैलेंस होगा वो बैलेंस होगा, ऊपर को दो फोर्स हैं, एक ये और एक ये, पहला अकेला ये था, तो टी कॉस 45 प्लस एफ अप थ्रस्ट, ठीक है जी, अप थ्रस्ट को इधर लेके आओ, तो एम जी माइनस एफ अप थ्रस्ट इक्वल टू टी कॉस 45, डिवाइड करो इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से, ठीक है, जब देख ले भाई इधर, जब आप डिवाइड करोगे इस वाली को तो यह आएगा एफ ई ओवर एम जी, यहां पे मास किसका है सर, बॉडी का, ठीक है, यहां पे किसका मास आएगा, देखो अप थ्रस्ट फोर्स जो होता है ना चांदी, अप थ्रस्ट, इसको हम लिखते हैं मास ऑफ द लिक्विड, या मास यू कैन से ऑफ द लिक्विड विच इज डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, पूरी बॉडी लिक्विड के अंदर है, तो जो मास लिक्विड डिस्प्लेस होगा बॉडी के मास के इक्वल हो जाएगा, यहां पे टेंशन नहीं लेने का, तो लिक्विड का मास लिखा है बॉडी का इनटू जी, तो यहां पे जो लिक्विड का मास है जो डिस्प्लेस होगा पूरी बॉडी के मास के इक्वल होगा, मतलब स्फीयर के मास के इक्वल होगा, तो इस केस में सेम रहने वाला है। बस एक चीज, जब इसको आप ओपन अप करोगे तो इसको लिखोगे मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम तो लिक्विड का आएगा लेकिन डेंसिटी किसकी होगी, डेंसिटी लिक्विड की होगी चांदी इनटू जी, तो ये लिखना पड़ेगा, ये फर्क आएगा। लेकिन जब आप ये वाला एमजी लिखोगे, ये मास ऑफ बॉडी वाला, ठीक है, जब आप मास ऑफ स्फीयर वाला लिखोगे स्फीयर, तो यहाँ पे वॉल्यूम तो स्फीयर का ही आएगा, ठीक है, डेंसिटी भी तो स्फीयर की आएगी इनटू जी, और इस केस में जब मैं यहां बोल रहा था कि ये इक्वल होगा, मतलब ये वॉल्यूम इक्वल डिस्प्लेस करेगा, यानी स्फीयर का जितना वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में ये और ये वाली चीज तो सेम होगी, लेकिन डेंसिटी देखो अलग होगी। जब यहाँ पे आप पुट करोगे तो यहां पे आप लिखने वाले हो मास ऑफ लिक्विड इनटू जी इक्वल टू टी कॉस 45। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड किया तो टी साइन ऑफ 45, सॉरी, दिस इज 15, समझ जाना, भावनाओं को समझो, 15, ठीक है, दिस इज 15, दिस इज ऑल्सो 15, ये कैंसिल, तो बिल्कुल वैसे ही इक्वेशन नहीं बन गई। तो जब आप इस इक्वेशन को लास्ट में इससे डिवाइड करोगे तो 10 15 कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म्स बचेंगे, ऐसे सॉल्यूशन करेंगे। ये बहुत बेहतरीन एक कंसेप्ट माना जाता है, ये तो वर्क का एक्चुअल प्रोसेस मन, लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा और कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन फंस सकते हो, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर दिस, जब भी के पूछे यहां से सॉल्व करके ही आएगा के, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो 1 माइनस लिक्विड की डेंसिटी ओवर सॉलिड की डेंसिटी, दिस इज द फॉर्मूला, यू जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, डेंसिटी बचेंगी केवल के निकालने के लिए, बाकी सब कैंसिल हो जाता है, और जो वैल्यूज दे रखे हो पुट कर दो। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है सर, 0.8, सॉलिड स्फीयर जो दे रखे हैं अपन की डेंसिटी कितनी है सर, 1.6, तो ये भी दे रखा है, तो 1/1 - 0.8 1.6, देखो कितना आ रहा है, तो इससे कैंसिल 2 times 1/2, तो या तो 2 नहीं आ गया, तो के जो होगा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिस लिक्विड में इस पूरे सिस्टम को आपने डिप करा है, इस लिक्विड की जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 2, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, आपका टाइम बचेगा। कंसेप्ट क्या था वो मैंने इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए, यार आप सोचोगे यार सर ने पता नहीं कैसे कर दिया, ठीक है, धोखा दिया हमें, तो ये थे कुछ ऑसम सी प्रॉब्लम दोस्तों, मस्त तरीके से आप प्रैक्टिस करें, आई थिंक दैट इज सफिशियंट फॉर कूलम्स लॉ लेक्चर 1 एंड द लेक्चर 2, ये भी अगर आपने कर लिया कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर पीवाईक्यू जितने भी इंपॉर्टेंट है उनका लास्ट में जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको मिली जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की, सो बी रेडी फॉर दैट, प्रैक्टिस कर लेना मस्त तरीके से, दोनों चीज अब साथ में चल रही है, +1 and +2, सो यू हैव टू रिमेंबर यू हैव टू वर्क हार्ड, एक्चुअली लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ओके, विद यू नो परसिस्टेंस आपने प्रैक्टिस करते रहना, ओके दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट।